झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पश्चिमी हवाओं के विक्षोभ से हिमालय के पास वाले इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं अब उत्तर से आने वाली तेज हवाओं से के असर से मैदानी इलाकों में दिखने लगा है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि तापमान में गिरावट का असर उत्तर भारत के मैदानी भागों में गुरुवार से ही दिखने लगा। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा, आसमान में हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दिए। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी। वहीं गुरुवार के मुकाबले तापमान भी थोड़ा कम ही रहेगा। उत्तर से आने वाली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल दिया है। गुरुवार से ही दिल्ली एनसीआर में ठंड पड़ने लगी है, जिसका पूरा असर शुक्रवार को देखने को मिलेगा। लेकिन दिन चढ़ने के साथ लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के वक्त लोगों को कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो ठंड के कारण मौसम में बदलाव आ सकता है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक धूप भी तेज नहीं होगी, जिसके कारण तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तेजी से तापमान में कमी की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग का ये भी पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 23 व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से राहत मिलने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से चल रही हवाओं के कारण कम होता नजर आया है। सफर के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI शुक्रवार को 208 में रह सकता है, यानी कि खराब श्रेणी में रह सकता है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि वायु प्रदूषण भी घने कोहरे का एक कारण बन सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।